मोदी जी, मैं आपकी दाल फ्राई तब से खा रहा हूँ जब आपकी दुकान उस पतली गली में थी। उसके बाद आपने दुकान नुक्कड़ पे रखी। अब तो ये आपने बहुत ही बढ़िया किया जो ऑटो रिक्शा में ढाबा खोल लिया। लेकिन दाल चावल का स्वाद आज भी आपका वही का वही है जो पहले था। अरे राहुल, मैंने तुम सब लोगों के फायदे के लिए ही तो ये ऑटो रिक्शा में ढाबा खोला है, जिससे कि मेरे हाथ का बनाए हुए खाने का स्वाद आप सबके मुंह में पहुंचता रहे। अब बातों बातों में तुम 3 प्लेट दाल चावल खा चुके हैं यहाँ पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैंने 2 ही प्लेट तो दाल चावल खाए अभी। बाराहुल, खाते खाते मजे में पता ही नहीं चल रहा है तुम्हें कितनी प्लेट दाल चावल खा गए। अरे 2 प्लेट दाल चावल थोड़ी खाए तुमने, 3 प्लेट दाल चावल खाए मेरे यहाँ पर। 10 रुपए का नुकसान करवाओगे मेरा? 10 रुपए प्लेट देता हूँ मैं सबको। अरे चलो गलती हो गई होगी, मानता हूँ 3 ही प्लेट मानता हूँ मैं आपकी। अरे ध्यान रखा करो गिनती का। अरे योगी जी आ गई, योगी जी क्या लगाऊं, दाल फ्राई लगाऊं, कड़ी कोफ्ता लगाऊं या मटर पुलाव लगाऊं, बोलो क्या लगाऊं? अरे मोदी जी, मुझे तो आपके हाथ का मटर पुलाव बहुत पसंद है, मटर पुलाव दे दो। क्या गजब का मटर पुलाव बनाते हो अपने हाथों से तुम, ऐसा लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। कोई बात नहीं, अपने हाथ से बना हुआ बेहतरीन मटर पुलाव लगा देता हूँ तुम्हें 1 प्लेट। अरे मोदी जी, बाकी तुम्हारा तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, कम से कम यहाँ पर पानी तो रख दिया करो, अभी मेरे गले में खाना फंसते फंसते बच गया। अरे ऐसी बात नहीं है अखिलेश, मैं घर से 1 वाटर कूलर पानी लाता हूँ, लोग पीते कम है बर्बाद ज्यादा करते हैं। 1 गिलास पानी पीना हो 2 गिलास पानी निकालते हैं। वैसे मोदी जी, मजा आ गया तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल खा के। अरे इतनी दूर चल के आना पड़ता है, हमारे घर तक पहुँचा दिया करो अपने ऑटो रिक्शा को, वहीं पे खा लिया करेंगे हम तो। अरे अखिलेश कैसी बात करते हो, 100 कदम की दूरी पे तुम्हारा घर है, पहले तो तुम मेरे कड़ी चावल खाने के लिए पतली वाली गली में 1 किलोमीटर दूर जाते थे। अब मैंने इतनी बढ़िया सुविधा कर दी है कि ऑटो रिक्शा में ढाबा खोल लिया, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर के करीब आ जाता हूँ, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हूँ, अब भी तुम्हें दूर लग रहा है। मोदी जी मैं आपको फिर ध्यान दिलवा देता हूँ, मैंने 5 प्लेट दाल चावल खा लिया। अरे राहुल फिर गिनती भूल गए तुम 7 प्लेट दाल चावल खा चुके हो, गिनती याद रखा करो अपनी। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, राहुल किस तरीके से धक्का लगा रहे हो स्कूल बैन में, तुम सही तरीके से धक्का लगा ही नहीं पा रहे हो स्कूल बैन में। तुमसे अच्छा धक्का तो ममता दीदी और प्रियंका लगा रही है, अभी मेरी बैन स्टार्ट होते होते रह गई। इस बार जोर से धक्का लगा दो, स्कूल बैन स्टार्ट हो जाएगी। क्या मोदी जी, आपकी स्कूल बैन में धक्का लगाते लगाते हाँपी चढ़ गई, लेकिन आपकी स्कूल बैन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, बीच रास्ते में बंद हो गई आपकी स्कूल बैन। मैं तो कल स्कूल में कंप्लेन करूंगा कि मैं मोदी जी की स्कूल बैन में बिल्कुल नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे किसी की भी स्कूल बैन में बैठा दो। अरे इतनी घटिया और पुरानी स्कूल बैन रखते हो, इस महीने में ये 3री बार खराब हो गई बीच रोड पे। अरे योगी जी, बीच रोड पे खराब होती है, ऊपर से धक्का ये अपनों से लगवाते हुए घर तक ले जाते हैं। अरे स्कूल के स्टूडेंटों से कोई धक्का लगवाता है? चलो हम धक्का लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जेंट्स हैं, लेडीज से भी धक्का लगवाते। बहन प्रियंका भी बैन में धक्का लगा रही है और ममता दीदी भी धक्का लगा रही है, और रास्ते भर घर तक यही करते रहते हैं कि अब स्टार्ट हुई बैन, अब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होती नहीं है, ऐसी धक्का लगवाते लगवाते घर तक ले जाती। राहुल भैया, मैं तो कल से स्कूल छोड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी पढ़ने के लिए, ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जो रास्ते पर धक्का लगाना पड़े बैन में। प्रियंका, बस 1-2 दिन की बात है, स्कूल से मुझे सैलरी मिलने वाली है, सैलरी मिलते ही मैं नई स्कूल बैन निकलवा लूंगा, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। स्कूल छोड़ने की बात क्यों करती हूँ, कैसी गलत बात करती हूँ, बस थोड़ी दूर घर रह गया, थोड़ी दूर धक्का और लगा लो स्कूल बैन में, इसमें बिल्कुल घर पहुंचने ही वाले हैं अपना लोग। क्या मोदी जी पहुंचने वाले हैं, 5 किलोमीटर से तो धक्का लगाते लगाते ला रहे हैं हम, कब पहुंचेंगे घर, इससे तो हम स्कूल बैन का पैसा ही ना दे, पैदल ही घर चले जाया करें। चलो एक काम करते हैं, राहुल ममता दीदी प्रियंका एक काम करो, हटो इनकी स्कूल बैन से, बिल्कुल हट जाओ, ये अब स्कूल बैन अपनी तभी ठीक कराएंगे जब अपना धक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्हें सहारा मिला हुआ है, जब भी इनकी स्कूल बैन खराब होती है अपना लोग धक्का लगा के घर तक पहुंचा देते हैं, जब अपना घर तक धक्का लगा के पहुंचाएंगे ही नहीं तभी तो इन्हें परेशानी का पता चलेगा मोदी जी को। ये बात तो बहुत बढ़िया की योगी जी तुमने, हटो सब लोग, बहन प्रियंका हटो, ममता दीदी हट जाओ, अब पता चलेगा मोदी जी को, बीच में छोड़ दो इनकी स्कूल बैन ऐसी रोड पे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।